नमस्कार दोस्तों, अगर आप लेना चाहते हो एक बढ़िया सा डिशवॉशर और आप कंफ्यूज्ड कि आपको बॉश का डिशवॉशर लेना चाहिए या फिर आईएफबी का डिशवॉशर लेना चाहिए, तो इस वीडियो को देखते रहिए। हम लोग इस वीडियो में तीन डिशवॉशर्स का कंपैरिजन करेंगे, बॉश का डिशवॉशर, आईएफबी का नेपच्यून SX1 डिशवॉशर और आईएफबी का ही VX डिशवॉशर। तो इस वीडियो को करते हैं शुरू, और शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, रिव्यूज देखो यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो शुरू करते हैं, और इस वीडियो में जो है हम लोग एक बॉश का डिशवॉशर मॉडल का कंपैरिजन करेंगे दो आईएफबी के डिशवॉशर के साथ। तो बॉश का जो डिशवॉशर है उसका कंपैरिजन होगा आईएफबी नेपच्यून SX1 और आईएफबी VX डिशवॉशर के साथ, और इन सात पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग इनका एक डिटेल कंपैरिजन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और नंबर वन वाला जो पैरामीटर है कैपेसिटी का, वो जान लेते हैं किस डिशवॉशर का बढ़िया है। तो कैपेसिटी जो है हम लोग मेजर करते हैं प्लेस सेटिंग्स के ऊपर। एक प्लेस सेटिंग्स में आपको एक डिनर प्लेट, एक डेजर्ट प्लेट, एक सिंगल ग्लास, सूप बोल, टी कप विथ सॉसर, नाइफ, स्पून और फॉक रखने का जगह मिल जाता है। तो जिसका जो है प्लेस सेटिंग ज्यादा होगा उसका कैपेसिटी आपको ज्यादा मिलेगा। तो बॉस का जो डिशवॉशर है उसमें आपको 12 प्लेस सेटिंग्स मिल जाते हैं। आईएफबी का जो नेपच्यून SX1 डिशवॉशर है उसमें आपको 15 प्लेस सेटिंग्स मिलता है, और आईएफबी का जो नेपच्यून FX है उसमें आपको 12 प्लेस सेटिंग्स मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आईएफबी का जो नेपच्यून SX1 मॉडल है उसमें आपको ज्यादा प्लेस सेटिंग्स मिलता है, इसका मतलब उसका कैपेसिटी जो है ज्यादा है। आगे बात करते हैं वॉश प्रोग्राम्स का, तो यहाँ पे बॉश में आपको 6 वॉश प्रोग्राम्स मिल जाता है, वहीं पे आईएफबी नेपच्यून SX1 में आपको 8 वॉश प्रोग्राम मिलता है, और आईएफबी नेपच्यून FX मॉडल में आपको 5 वॉश प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। तो इस वॉश प्रोग्राम्स के मामले में भी आईएफबी नेपच्यून SX1 जो है सबसे बढ़िया है, उसके बाद बॉश आता है और उसके बाद जो है आईएफबी नेपच्यून FX मॉडल आता है। अगला पैरामीटर बात करते हैं नॉइस लेवल का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि जब भी आपका डिशवॉशर काम करता है वो ज्यादा नॉइज एमिट करता है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा वाला डिशवॉशर जो है सबसे कम नॉइज एमिट करता है। तो यहाँ पे बात करते हैं बॉश में आपको 52 dB का नॉइज लेवल है, आईएफबी का जो नेपच्यून SX1 है उसमें आपको 45 dB का नॉइज लेवल मिल जाता है, और आईएफबी का नेपच्यून FX मॉडल जो है उसमें आपको 52 dB का जो है नॉइज लेवल मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आईएफबी का नेपच्यून SX1 है वो सबसे कम नॉइज एमिट करता है। तो वाटर कंजम्पशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, तो यहाँ पे जो है हमको देखना है कौन सा डिशवॉशर में सबसे कम वाटर कंज्यूम होता है। तो बॉश का जो डिशवॉशर है उसमें जो है 9 लीटर का वाटर कंजम्पशन होता है, वहीं पे आईएफबी नेपच्यून SX1 में भी आपको 9 लीटर का वाटर कंजम्पशन होता है। वहीं पे अगर बात करें आईएफबी नेपच्यून FX मॉडल का तो उसमें आपको 12 लीटर का वाटर कंजम्पशन होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बॉश और आईएफबी नेपच्यून SX1 में आपको काफी कम वाटर कंजम्पशन देखने को मिलता है। अगला जो पैरामीटर है पावर कंजम्पशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल पावर कंजम्पशन के बेसिस में आता है। तो यहाँ पे बॉश में जो है 1020 वाट पर आवर का पावर कंजम्पशन आपको मिलता है, वहीं पे आईएफबी नेपच्यून SX1 में आपको 940 वाट पर आवर का पावर कंजम्पशन देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं आईएफबी नेपच्यून FX में आपको 1000 वाट पर आवर का पावर कंजम्पशन मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो आईएफबी नेपच्यून SX1 मॉडल और आईएफबी नेपच्यून FX में आपको काफी कम पावर कंजम्पशन देखने को मिलता है बॉश के मुकाबले। अगला जो पैरामीटर है वेट का है, वेट बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि अगर आपको डिशवॉशर को मूव करना है एक रूम से दूसरे रूम तक तो वहां पे जो है डिशवॉशर जो है लाइट वेट होना चाहिए, और वो बहुत ही अच्छा पोर्टेबिलिटी भी देता है आपको। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बॉश का जो वेट है वो टोटल 45 kg का है बॉश का डिशवॉशर का, वहीं पे आईएफबी नेपच्यून SX1 का जो वेट है वो 52 kg का है, और आईएफबी नेपच्यून FX का जो वेट है वो 46 kg का है। तो वेट के मामले में बॉश वाला जो डिशवॉशर है बहुत ही लाइट वेट है, सिर्फ 45 kg का है, बाकी दोनों के
मुकाबले। अगला जो पैरामीटर है नंबर ऑफ रैक्स का, तो यहाँ पे बॉश में आपको दो रैक मिल जाते हैं, IFB नेपच्यून SX1 में आपको 3 रैक मिलता है और IFB नेपच्यून FX में आपको 2 रैक मिलता है। तो यहाँ पे IFB नेपच्यून SX1 में आपको ज्यादा रैक्स देखने को मिल जाता है बाकी दूसरे के मुकाबले। तो ये था एक कंपैरिजन बॉश का डिशवॉशर दो IFB के डिशवॉशर्स के मुकाबले। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा वाला डिशवॉशर आपके लिए सुटेबल है और कौन सा वाला बढ़िया है। एक चीज बता देना चाहूंगा कि IFB का जो नेपच्यून SX1 है वो थोड़ा सा महंगा है बाकी दोनों से मुकाबले। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे डिशवॉशर्स का बेस्ट प्राइस बाय लिंक देके रखा है, वहां पे आप इनका प्राइसेस जो है चेकआउट कर सकते हो और फिर आप अपने बजट रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक डिशवॉशर को चुन सकते हो खरीदने के लिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।